हाय गाइस, दिस इज सानिया मुख्तार एंड यू वाचिंग माय चैनल माय फैशन बुटीक। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेकलाइन की कटिंग कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नेकलाइन की स्टिचिंग कैसे करनी है आपको। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक लेते हैं जो हमारी कवर पट्टी थी, उसका पहले मिट ऐसे डबल फोल्ड में है उसको सबसे पहले नॉच लगा लेते हैं हम इसके मिट का। ठीक है, एक छोटा कट करा मैंने, सेम एज इट इज़ हम अपने बकरम पर भी कट लगाएंगे इस तरह से छोटा सा। ओके, ये कट करने के बाद हमको ये कट करने के बाद हमें अपना नेकलाइन का ऐसे ओपन करना है और नॉच टू नॉच मिलाते हुए मिड का एक हाफ इंच नीचे इस तरह से रखते हुए स्टिचिंग कर लेनी है, जिससे ये हमारा बकरम सेट हो जाता है। ओके, बकरम सेट होने के बाद अब आप इसको मिड से लेते हुए आप अपनी मिड से लेते हुए स्टिचिंग करिए। इस मेथड से करने से आपको ये बेनिफिट रहता है कि आपकी जो नेकलाइन रहती है बकरम की वो इक्वली आती है दोनों साइड। बकरम हमेशा अक्सर करके ऐसा होता है, हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं तो राउंड नेकलाइन आते आते दूसरे साइड से कम हो जाती है, बकरम कम पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मिड लेकर नहीं चलते हैं। अगर हम मिड लेकर चलते हैं तो हमारा ये जो बकरम कम पड़ जाता है, छोटा हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो हमें इस मेथड से स्टिचिंग करनी है और इक्वली डिस्टेंस लेते हुए चलना है। आपको हाफ इंच का डिस्टेंस लेते हुए चलना है, राउंड नेकलाइन करनी है। सबसे पहले हमें अपना बकरम अपने फैब्रिक पर कवर पट्टी पर अटैच करना है ऐसे हाफ इंच लेते हुए। ओके, मैंने ये हाफ इंच लेते हुए अटैच कर लिया है। ये देखिए, ये मेरा बकरम कवर पट्टी पर अटैच हो गया है। ये देखिए, मैंने सबसे पहले मिट की सिलाई करी, देन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वली डिस्टेंस लेते हुए स्टिचिंग कर ली, जिससे ये मेरा बकरम इस पर अटैच हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपका ये जो इस साइड का फैब्रिक है, ये जो ज़्यादा साइड का है, ठीक है, ज़्यादा फैब्रिक है, वो इसको कवर पट्टी पर ऐसे आपको प्लेट्स अगर आ रही हो तो डाल दीजिए उस पर। इसको इसको ऐसे फोल्ड करते हुए कवर कर लेते हैं। मैं वैसे तो अब आप इसको इसको इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से इसको कवर कर लीजिए बकरम को अपने। ये आपकी फ्रंट नेकलाइन की पट्टी कंप्लीट हो गई है। ओके, इस तरह से अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरह से अटैच करते हैं, सेम मेथड वही हम रखेंगे जैसे अभी हमने अप्लाई किया था कि अपनी कवर पट्टी पर नॉच लगाया था मिड में, सेम वैसे ही हमने बकरम पर लगाया था और ऐसे ही हमें अपनी नेकलाइन में भी लगाना है। ये देखिए, हमने नेकलाइन में मिड का निशान लगा लिया है। अब ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बकरम हमेशा सीधे कपड़े पर, ओके, ये सीधे पर कपड़े पर आपको लगाना होता है, जिससे ये बकरम पलट कर उल्टी साइड चला जाता है। ठीक है, अब मैंने इसको बराबर से रखा, ये बीट का ऐसे नॉच देते हुए। अब इस नेकलाइन में मुझको पैपिंग वाला गला बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आप नॉर्मल नेकलाइन बनाने जा रही हैं तो आप बकरम के बिल्कुल बराबर से सिलाई करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको पैपिंग वाली नेकलाइन चाहिए तो कम से कम बकरम के थोड़ी दूरी पर इस तरह से सिलाई करिए। ये देखिए, बकरम से इतने डिस्टेंस में मैंने ये सिलाई करी है क्योंकि मुझे पैपी नेकलाइन चाहिए। अगर आपको पैपी नेकलाइन नहीं चाहिए तो आप इसको बिल्कुल बराबर से स्टिचिंग करिए, बिल्कुल बकरम के बिल्कुल बराबर से स्टिचिंग करिए अगर आपको पैपी नेकलाइन नहीं चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इक्वली सिलाई करिएगा पैपिंग की, ताकि आपकी पैपिंग चौड़ी पतली ना हो। ठीक है, मिट का निशान लेते हुए मैंने ये देखिए, सेम हम इस साइड भी कर लेंगे, अपने दूसरे साइड भी कर लेंगे। बराबर कपड़ा बराबर रखिएगा, बकरम का जो मार्जिन है वो और जो आपके कुर्ती का नेकलाइन का कपड़ा है वो बिल्कुल इक्वल रखिएगा, बराबर रखिएगा। ठीक है, ये मैंने ये स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए, बिल्कुल इक्वली स्टिचिंग करी है मैंने। अब हम इस पर कट लगाएंगे जिससे ये फोल्ड हो सके। तो आपको कट लगाना है, आपको सिलाई के इधर ही कट लगाना है, सिलाई पर कट नहीं लगना चाहिए। ओके, मैंने हमको ऐसे इस तरह से कटिंग करनी है, कट लगाने हैं जिससे ये इजीली फोल्ड हो जाए हमारा। ठीक है, इस तरह से आपने ये कट लगा लिया। अब ये कट लगाने के बाद ये देखिए, इतनी इतनी डिस्टेंस में मैंने ये कट लगाए हैं जिससे ये ईजिली फोल्ड हो जाए। अब ये इस तरह से इसको मैं फोल्ड करूँगी और देखिए, एक पैपिन, एक पतली सी पैपिन क्रिएट हो जाएगी इसमें। ये देखिए, अपनी स्टिचिंग की जो लेंथ होती है जो वो छोटी रखिए, इससे सफाई आती है और नेकलाइन देखने में खूबसूरत लगती है। बड़ी सिलाई का यूज़ मत करिए, बड़ी सिलाई का यूज़ जहाँ मैं आपको बताऊँ वहीं पर करिए, और जहाँ मैं स्पेशली मेंशन करूँ कि आप छोटी सिलाई लगाइए तो वहाँ आप छोटी सिलाई ही लगाइए। ये देखिए, बिल्कुल महीन सिलाई, बिल्कुल महीन पैपिन आ रही है और इक्वली पैपिन आ रही है।
बराबर से सिलाई करते हुए चलिए और थोड़ा सा अपनी तरफ इसको प्रेस करिए, अपनी तरफ कपड़े को। पाइपिंग हमेशा पतली ही अच्छी लगती है, इसलिए कोशिश करिए कि जितनी महीन पाइपिंग आप बना सकें उतनी महीन पाइपिंग आप क्रिएट कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा लगता है, फिनिशिंग आती है। और सिलाई की स्टिचिंग लेंथ का ध्यान रखिए कि कहाँ आपको स्टिचिंग लेंथ की और आपकी चाक दामन की इस तरह की वहाँ पर आपको ये देखिए जिस तरह से आपको ये बिल्कुल महीन पाइपिंग क्रिएट करनी है। और अगर आप पैपिंग वाला गला नहीं बना रही हैं तो नॉर्मल आपको बकरम से बराबर से सिलाई करनी होती है उसको भी, अगर आपको वो नेकलाइन भी देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। ये देखिए ये जो धागे हैं उन्हें साफ, आपको बैक नेक लाइन प्रिपेयर करनी है तो आपके पास ये दो औरे पट्टी होगी, ठीक है। आप सबसे पहले ये औरे पट्टी सीधी रखिए और इसको भी अपने सीधे पर इस तरह से रखिए एक क्रॉस बनाते हुए, जिसका एक कॉर्नर ऊपर के साइड इस साइड जाएगा और नीचे का कॉर्नर इस साइड जाएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, औरे पट्टी उनकी सीधी जुड़ती नहीं है और उनकी नेकलाइन सही नहीं आती है, तो आपको मैं ये तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी नेकलाइन जो होगी रखने के बाद, क्रॉस रखने के बाद आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है स्टिचिंग की और निकालना जो है सिलाई करते पट्टी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, सिंगल डबल फोल्ड करके ये सिलाई लगा देते हैं, इससे हमारी नेकलाइन में ये पट्टी लगने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से आपने फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली, चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हैं, अगर प्रेस अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। और अपनी बैक नेकलाइन में सेम फ्रंट जो आपका सीधा पल्ला है वो अपनी तरफ रखिए और इस पर इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए से और ये पट्टी को अटैच करिए, ठीक है। आपको एकदम ढील देते हुए इस पट्टी को एक ढील देते हुए सिलाई करनी है, हमेशा याद रखिए और ये पट्टी खींच कर नहीं सिली जाती है। आप इस तरह से ढील देते हुए इसको गोलाई में सिल लीजिए, अटैच कर लीजिए, ओके। सुई आपको ऐसे रोकना है और फुट उठाकर अपना फैब्रिक घुमाते जाइए और इसको ऐसे स्टिचिंग करते जाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका ये जो नेकलाइन का फैब्रिक है और आपकी औरे पट्टी इक्वली होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टिच लॉक कर लिया, अब हम ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल गोल आएगा जब आप ढील देते हुए सिलाई करेंगे तो ये देखिए एकदम गोल आ रहा है नेकलाइन हमारी ये। अब हम इसमें कट लगाएंगे जैसे आपने फ्रंट नेकलाइन में लगाया था सेम, बस एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलाई पर कट ना लगे, संभाल कर इसको कट लगाया मैंने। और कट लगाने के बाद आपको इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है, आपकी बैक नेकलाइन तैयार हो जाएगी। ये ऐसे नाखून से ऐसे प्रेस करते हुए सिलाई करते जाएं और अब आपको इसके और एक पट्टी पर नेकलाइन के किनारे एकदम सिलाई करनी है। ये लास्ट स्टेप है आपकी नेकलाइन के प्रोसेस का, यानी ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये आपकी नेकलाइन डन हो गई और हाँ प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। ये डन हो गई हमारी नेकलाइन, अब ये हम इसमें हम तुरपाई कर लेंगे, फाइनली ये फिनिश हो जाएगी। ओके बाय गाइस, बाय बाय। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल।